नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस पटल पर जो लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखला में हमारे कार्यक्रम हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं और हमें आपसे जो प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके तो हम आभारी हैं और रहेंगे सदा। आज इस कड़ी में आपके इस रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर मनु शर्मा। डॉक्टर मनु शर्मा के बारे में ज्यादा कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि वो राजस्थान के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद तो रहे हैं, साथ में ही वो समझते हैं कि कविता क्या होती है, वो समझते हैं कि गजल क्या होती है। तो उनकी इस समझ से भरी हुई रचना संसार के साथ आज मैं अशोक सक्सेना आपसे रूबरू हो रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि हम लाभान्वित तो होंगे ही होंगे, जो माँ सरस्वती ने उनको ये सब ज्ञान सौंपा है, लेकिन साथ में ही उनकी रचना संसार से भी हम रूबरू होंगे, उसको उसका रस ले। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आभारी है जन सरकार मंच आपके आगमन से। बिल्कुल, बहुत बहुत दिनों बाद में जो है जी, 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 आपसे संवाद करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात शुरू करें तो मैं कोई औपचारिकता रखना नहीं चाहता, बात सिर्फ ये है कि क्योंकि आप दोनों विधाओं में, गजल में भी और हिंदी कविता में जी, आप दोनों को समान रूप से वजन देते हैं अपनी रचनाओं में, और वो सूझबूझ जो है सुनने में ही समझ में आ जाती है। तो अगर हम शुरुआत करें अगर कविता से, तो आजकल जो कविताओं का एक दौर चल रहा है और लोग लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है, तो मैं तो आपसे ये लाभ लेना चाहता हूं अपने श्रोताओं के साथ बैठकर कि कविता में कविताई का जो प्रसंग है, जो होना चाहिए, जहां आपको लगे कि ये कविता है जी, और उसमें कोई विस्तार को लेकर कहीं वो लोभ या मोह की समझ होना भी बहुत जरूरी है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप कुछ ऐसी रचना बताइए, सुना दीजिए हमको, जिसमें ये लगे कि देखिए इसको अगर विस्तार करते हैं तो उसके अर्थ खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखिए कविता यहाँ खत्म हो गई। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, और मैं समझता हूं कि जो कविताएं हैं जी, उनमें विस्तार या संक्षिप्तता जी, ये उस विषय की मांग के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल, जिस विषय को लेकर के कविता लिखी जा रही है ठीक है, उस विषय की मांग अगर विस्तार के अंदर जाने की है जी, और विस्तार में जाकर के ही कविता का पूरा जो परिदृश्य है जी जी, जी। तो वो उपस्थित होता है हमारे सामने जी, तो वो विस्तार हमें अखरता नहीं आवश्यक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कविता बहुत संक्षिप्तता के साथ में भी कही जा सकती है ठीक है, और ऐसी बहुत कविताएं हैं जी जी, जो तीन चार पंक्तियों के अंदर भी पूरी हो कह दी गई है, और लेकिन वो इतने दमदार ढंग से कही गई है जी जी, कि उसके उससे उसके आगे कुछ कहने की जो है उसमें मुझे कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है जी। जैसे मैं एक एक उदाहरण देता हूँ, केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है जी, छोटी कविता है, लेकिन वो कविता अपने आप में मुझे जो है वो बहुत प्रभावित करती है और बहुत अच्छी भी लगती है जी। तो मैं उस कविता का उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। स्वागत स्वागत है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता के अंदर कहते हैं, आर्द्र बनाकर छोड़ गया है जब से बादल, आर्द्र बनाकर
छोड़ गया है जब से बादल, पानी के अक्सर रोया है खड़े खड़े चुपचाप पहाड़। पानी के अक्सर रोया है खड़े खड़े चुपचाप पहाड़। अब आप देखिए कि ये बहुत छोटी सी चार पंक्तियों की कविता है, लेकिन इसके अंदर आर्द्र बना करके छोड़ जाना और साथ ही साथ पहाड़ का जिस तरह से जो है ना पानी के अक्षरों के माध्यम से अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है, अपने उस दर्द को उसका भी पिघलना, उसका पिघलना, उस पहाड़ का पिघल जाना जी। तो जहाँ पर पहाड़ पिघलने लग जाए, सौंदर्य है नहीं, सौंदर्य नहीं, मैं कहता हूँ वो कवितापन ही यही है वो कवितापन, बिल्कुल सही है। जहाँ पर आकर के जो है जहाँ आकर के पहाड़ जो है वो पिघलने की स्थिति में आ जाए, तो ये जो है ना ये कविता की ऊंचाई भी है, ऊंचाई ये कविता की ऊंचाई भी है और उसकी उसकी संवेदनात्मक गहराई भी है। तो ये देख इस छोटी सी कविता के माध्यम से, लेकिन बड़ी कविताएं भी जो है ना वो है और वो अपनी जगह पर बड़े महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि क्या है उन बड़ी कविताओं की जो जैसा मैंने शुरू में कहा उस विषय की मांग होती है। मांग जैसे मैं कहूँ कि मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है या ब्रह्म राक्षस कविता है, बड़ी कविताएं हैं और बड़ी कविताएं, क्योंकि उन कविताओं के अंदर जिस बात को मुक्तिबोध रखना चाह रहे हैं जिस विषय को लेकर के वो चले हैं उस बात को पूरे प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उतनी जगह चाहिए और वो सारा का सारा परिदृश्य जब तक हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा तब तक हम उस कविता के माध्यम से जो कुछ कहा जा रहा है उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो ये जो है ये विषय के मांग के अनुसार जो है ना उसका स्वरूप बदलता है। लेकिन लेखक को तो इतना थोड़ा सा कॉन्शियस रहना जरूरी है। कॉन्शियस रहने की बात केवल ये है कि उसमें जो है वो लेखक को कई बार अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मैं जो है ना वो कई बार लगता है कि लेखक जो है वो अपनी कविता के अंदर वो रेटोरिक का सहारा लेता है। हाँ, लेकिन वो लेकिन वो रेटोरिक जो है वो उस कविता को एक नई जो है भंगिमा देने का काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है ना वो अनावश्यक होता है। हाँ, उसको भंगिमा देने का काम भी करता है और इसके अलावा जो है वो कई बार कवि नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है अपनी कविताओं के अंदर। सही। वो अपने जो विगत राग है, मैं उसके लिए एक शब्द काम में लेता हूँ, विगत राग जी। तो वो जो विगत राग है उस विगत राग का सहारा लेता है, उसका सम्मान होता है उस सबके प्रति और उससे जो है ना वो कविता ज्यादा शक्तिशाली बनती चली जाती है। कई लोग जो है वो अपनी बात को संक्षिप्तता के अंदर कहने का हुनर रखते हैं, उनके पास में वो फन होता है। लेकिन जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे गजल होती है जी, तो उस गजल के अंदर जो है ना वो उसकी खूबी उसकी संक्षिप्तता है। बिल्कुल सही। आपको जो है वो गजल के एक शेर के अंदर वो शेर अपने आप में मुकम्मल होता है अपने आप और वो जो उसमें जो मुकम्मलपन है उस मुकम्मलपन के कारण ही वो जो गजल है उसका प्रत्येक शेर अलग-अलग हुआ करता है जी। हालांकि गजल के बारे में जो है ये भी माना गया है कि गजल जो है वो मुसलसल भी होती है, उसके अंदर भी एक सिलसिला मिलता है किसी एक विषय को लेकर के, उस पर सिलसिलेवार ढंग से भी जो है लोगों ने गजलें लिखी हैं, लेकिन मुकम्मल गजल उसी को माना जाता है जिसका प्रत्येक शेर जो है अपने आप में मुकम्मल होता है अपने आप और उनका एक दूसरे से कहीं कोई वास्ता नहीं होता, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। आपसे आग्रह है कि जो प्रसंग पे अपन बात कर रहे हैं उसी प्रसंग के आसपास कुछ अपनी रचना ये सुना था तो ज्यादा बेहतर। हाँ, मैं बिल्कुल जो है ना आपको जी
मेरी एक गजल है जो वो जो है ना वो सुनाना चाहूंगा। जो मैंने कोरोना काल के दौरान ये गजल मैंने लिखी थी और सारा का सारा जो है ना वो प्रसंग कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। क्या और उसमें आज का जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य है जो चल रहा है वो राजनीतिक परिदृश्य भी इशारों के मैंने जो है ना ये तो सामने रखने की कोशिश की है। तो वो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी सच का पता लगाना मुश्किल जी अफवाहों के दौर में। वाह सच का पता लगाना मुश्किल अफवाहों के दौर में। और देखिए मैंने जो है ना इसके अंदर एक पुरानी हमारी बचपन की सुनी हुई एक कहानी है उस कहानी का इस्तेमाल किस तरह से किया है। तो सच का पता लगाना मुश्किल जी अफवाहों के दौर में। रोज भेड़िया आता झूठे चरवाहों के दौर में। क्या बात है क्या बात। रोज भेड़िया आता झूठे चरवाहों के दौर में। वाह वो जो भेड़िया आया वाली जो कहानी हमने बचपन में सुनी थी उस कहानी का इस्तेमाल मैंने ये अपनी बात ये एक अलग खूबी है ये कहने के लिए नहीं 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 फ्रेजल जो लोक में प्रचलित है उनको आप गजल में ले आए और इस खूबसूरती से ये आपको आप इस एंगल से इसको देख रहे हैं इसको ये अलग खूबसूरती है जो है वो कम देखने को मिलता है ऐसा आपको अच्छा लगा जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मेरे लिए जो है खुशी की बात है जी। तो सच का पता लगाना मुश्किल अफवाहों के दौर में। रोज भेड़िया आता झूठे चरवाहों के दौर में। क्या बात क्या बात। रोज भेड़िया आता झूठे चरवाहों के दौर में। और अगला शेर देखिए इसका जी जी जो बिल्कुल आज की स्थितियां हैं उनको लेकर के जी। गूगल की गलियों में खोए संत ओलिया पीर फकीर। वाह गूगल की गलियों में खोए संत ओलिया पीर फकीर। कौन दुआएं मांगे सुनी दरगाहों के दौर में। वाह कौन दुआएं मांगे सुनी दरगाहों के दौर में। अच्छा अलग है भाई। और सुनी दुआओं की बात क्या है। वाह सुनी दरगाहों के बधाई बधाई धन्यवाद बहुत अच्छा। और कोरोना काल को लेकर के जो मैंने शेर लिखा इसके अंदर वो देखिए आप। लाशें तैर रही नदियों में वो सारे दृश्य आप लोगों से के लाशें तैर रही नदियों में जी मचा किनारे पर कोहरा। लाशें तैर रही नदियों में मचा किनारे पर कोहरा। बिन डांडों की नाव खे रहे मल्लाहों के दौर में। वाह बिन डांडों की नाव खे रहे ये तो बहुत सिंबॉलिक है बहुत ज्यादा है डायमेंशन बहुत है बिल्कुल 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 सिंबॉलिक है आपने ठीक कहा बहुत डायमेंशन। बिन डांडों की नाव खे रहे मल्लाहों के दौर में जी जी। बीमारों को दवा नहीं है हवा नहीं है सांसों को। वाह बीमारों को दवा नहीं है हवा नहीं है सांसों को। वाह मुर्दा घर हंसते हैं सियासी जगाहों के दौर में। मुर्दा घर अच्छा है अच्छा। मुर्दा घर हंसते हैं सियासी जगाहों के दौर में। वाह और बाजार की क्या स्थिति है वो देखिए उसके लिए शेयर कहा है मैंने। बम बम है बाजार खेत मायूस मड़ैया सुनी है। बम बम है बाजार खेत मायूस मड़ैया सुनी है। बेदम हो चले जीने के उत्साहों के दौर में। वाह बेदम हो चले जीने के उत्साहों के दौर में। वर्ष का पता लगाना मुश्किल अफवाहों के दौर। वाह बहुत सुंदर सुंदर रचना है। मनोज जी आप तो कमाल करते हैं।
मतलब गजल में भी एक अनूठे प्रयोग लाते हैं, पेजल को भी लाते हैं आप, ऐसा बहुत मैंने तो बहुत कम देखा है। नहीं, बहुत लोगों ने जो है वो इस तरह की गजलें लिखी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और गजल की परंपरा तो जो है ना बहुत समृद्ध रही। नहीं नहीं नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी डायनेमिकता के साथ किसी फ्रेज को यूज कर लेना कि सामान्य गजलकारों में दिखाई नहीं देता है। यो यो मैं समझता हूँ मेरा जो है वो या तो विजन है, लिखने का जो तरीका है जी, उसके अंदर क्या है कि मैं वो जो गजल का पारंपरिक स्वरूप है उससे थोड़ा सा और उसके अंदर बंधी हुई जो गजल होती है वो कहने से मैं बचता हूँ। हाँ, लेकिन वो छटपटाहट नजर आती है और हाँ, जो जहाँ होता है स्थिति वहाँ उससे मैं बचने की बचता हूँ। जो कह लीजिए कि वो उस तरह की वो जो वो प्रेमी प्रेमिका के गुप्तगु वाली जो गजलें हैं वो कहना मेरे स्वभाव में नहीं है, बहुत कम कह पाता हूँ। हालांकि कुछ कही है, नहीं आज का माहौल भी ऐसा नहीं है कि वो सब सोचने को वक्त दे। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, क्योंकि क्या है वो जो है मैं समझता हूँ कि वो कविता के अंदर जो है वो अशोक जी दो तरह की अपीलिंग होती है जी। हाँ जी, एक क्या है कि कविता की अपीलिंग जो है वो मैं मानता हूँ कि वो इमोशनल होती है। हाँ, और एक जो है वो अपीलिंग उसकी रैशनल। तो जो दोनों महत्वपूर्ण अपनी जगह पर दोनों महत्वपूर्ण है। तो जो इमोशनल अपीलिंग होती है जी, उसके अंदर वो जो है ना वो लोग कह जाते हैं, जिनके पास में वो सामर्थ्य होता है वो लोग कह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझमें शायद वो सामर्थ्य नहीं है, तो उस तरह से मैं उस नहीं, नहीं, आप बखूब कहते हैं। अब मैं याद दिला दूंगा आपको मेरी प्रिय गजल है सुनने के लिए, ऐसा वो आपसे जिद करके सुनूंगा, तुम्हारी गोद में सर रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बस उसमें भी क्या है कि आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो प्रासंगिक है। एक दो शेर उस तरह के हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, एक दो शेर उस तरह के हैं जी जी जी, बाकी तो जो है ना वो गजल भी उसमें भी मैंने जो है वो आज के जीवन की जो दबाव है उन दबावों को सामने लाने की कोशिश। लेकिन वो बैलेंस इसलिए है कि वो दोनों तरफ की बात कर। जी जी बिल्कुल, दोनों मनस्थितियों बिल्कुल बिल्कुल, वो इमोशनल भी है वो रैशनल भी जी, दोनों स्थितियों को बैलेंस कर। ये खूबसूरती है इस गजल की मुझे लगती है। तो मैं वो गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्लीज, तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे। वाह, तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे, ठहर गई है कहीं राह में उम्र जैसे। क्या बात, तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे, ठहर गई है कहीं राह में उम्र जैसे। जी, वो बोलती हुई नजरें वो चुवन मादक सी। वाह, वो बोलती हुई नजरें वो चुवन मादक सी जी, रगों में तोलता रहा परिंदा पर जैसे। क्या बात, रगों में तोलता रहा परिंदा पर जैसे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कई वर्षों के बाद आज तुमसे बात हुई। बहुत सुंदर, कई वर्षों के बाद जी आज तुमसे बात हुई, पहले होता था फिर हुआ वही असर जैसे। पहले होता था, बहुत सुंदर, फिर हुआ वही असर जैसे। ये वो नॉस्टैल्जिक होने वाला मामला नहीं, लेकिन बच नहीं सकते हो, ये बांग है इसकी। हाँ सही, इतने जो भी है। आगे वाला शेर सुनिए जो मुझे बेहद पसंद है। ठीक है, सुनिए सुनिए। बूढ़ी आंखों को मिल गई है रोशनी फिर से। क्या बात, बूढ़ी आंखों को जी मिल गई है रोशनी फिर से,
बेटा भागा हुआ लौटा है अपने घर जैसे। क्या बात क्या बात क्या बेटा बात? भागा हुआ लौटा अपने घर जैसे, बूढ़ी आंखों को मिल गई है रोशनी फिर से। सुंदर। बेटा भागा हुआ लौटा है अपने घर जैसे, सुबह से शाम तक लोगों को भागते देखा। सुबह से शाम तक लोगों को भागते देखा, पीछा करते हुए आता हो कोई डर जैसे। पीछा करते हुए आता हो कोई डर जैसे। बहुत अच्छा। तुम्हारी गोद में सर जैसे। एक संवेदनशील व्यक्ति की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे ज्यादा आसान अभिव्यक्ति क्या होगी, कि वो दोनों पैदल उसमें जीता है, कहीं कहीं इमोशनल है, वो हट नहीं सकता नहीं, वो, वो। लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो उनको वो जी रहा है। बिल्कुल। गजल में आपने दोनों स्थितियां बिल्कुल बैलेंस करके खड़ी कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, जो कि क्या है वो उनसे बच तो नहीं सकता, इसमें कोई दोराय नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये कोशिश में ये करता हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना एक सस्ती भावुकता, जी उथली भावुकता, जी जी जी, उस उथली भावुकता से बचने की कोशिश में जो है ना, नहीं तो बहुत जरूरी है, उससे बचने की कोशिश में निरंतर करता कि वो वैसा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा लगे जैसे जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना वो खास तरह का रुमानीपन जो होता है। नहीं नहीं, वो तो ज्यादा ना तो उम्र है, हालात हैं, और न और यो कह लीजिए कि न वो जो है ना मनोदशा ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि कड़वा सच है कि कभी कभी लौट जाता है वो मौसम। वो तो आना भी चाहिए कवि के लिए जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है। वो मैं उसको यूं मानता हूँ, वो संपदा होती है, फर्टिलाइजर तो होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, और वो आना भी चाहिए, क्योंकि कविता के अंदर जो है, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि कविता जो है वो दिल को छूने का जो काम है वो ऐसे ही प्रसंगों के माध्यम से होता है, उसी के माध्यम से। देखिए क्या है कि जो रेशनलिटी है ना, वो रेशनलिटी आपके सोच को तो विस्तार दे सकती है, जी है, आपकी आपकी समझ को बढ़ा सकती है, लेकिन वो जो भीतर उतरने वाली बात है, वो भीतर उतरने वाली बात है, वो छू जाने वाली जो बात है, वो छू जाने वाली बात वैसे ही प्रसंगों के अंदर से निकल करके आती है। और इसी तरह की एक गजल जो है वो मैंने लिखी है, आपको तो सुनी हुई है वो, नहीं नहीं आप जो है वो जो जगा जाती है सिहरन वो शरद की ओर, जो जगा जाती है सिहरन वो शरद की भोर हो तुम, हो मेरे एहसास के संग या कहीं पर और हो तो। बात बहुत अच्छा। जो जगह जाती है सिहरन वो शरद की भोर हो तो। मुझे क्या है कि वो सक्सेना जी याद नहीं रह पाती है, इसलिए मैं बार नहीं, बार ये समस्या तो गैर सबके संग बार बार जो है ना वो मैं पलटता रहता हूँ अपने पन्ने। नहीं नहीं, उसका एक कारण और भी है कि अपन ने कोई इस तरह का कुछ पहले से प्री मैनेज तो किया नहीं, नहीं वो जो है वार्ता के संदर्भ जहाँ जाते हैं उड़ते पंक्षियों की तरह वहां बात होने लगती। सही बात है, बिल्कुल ये भी एक सच है ना जी। तो वो गजल सुनिए। हरे देवेंद्र भाई, जो जगह जाती है सिहरन वो शरद की भोर हो, हो मेरे एहसास के संग या कहीं पर और हो तुम, हो मेरे एहसास के संग या कहीं पर और हो तुम, दे रहा पहरा अंधेरा जिंदगी की राह में, दे रहा पहरा अंधेरा जिंदगी की राह में,
रोशनी से जो है जगमग उस गली का छोर हो तुम। वाह, रोशनी से जो है जगमग बहुत सुंदर उस गली का छोर हो तुम। कैद कर ली है समय ने मिलने की उम्मीद जब, ठीक है, कैद कर ली है समय ने मिलने की उम्मीद जब, टूट कर फिर से जुड़े उस ने ही मन की डोर हो तुम। वाह, टूट कर फिर से जुड़े उस ने ही मन की डोर हो तुम। और इसका अगला शेर सुनिए आप, जो मुझे बहुत प्रिय है। सुनाइए। जो सुनाई देता है मुश्किल से लोगों को यहाँ, जो सुनाई देता है मुश्किल से लोगों को यहाँ, हवा के संखेरते पत्तों का मीठा शोर हो तुम। हवा के संखेरते, हवा के संखेरते पत्तों का मीठा शोर हो तुम। सुंदर बात कही है। पच्छर से भी संगीत और मिठास आप बटोर लेने वाले व्यक्ति हो। जो सुनाई देता है मुश्किल से लोगों को यहाँ, बहुत अच्छा, हवा के संखेरते पत्तों का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रुख बदल लेती जरा सा जब भरोसे की हवा, क्या बात, रुख बदल लेती जरा सा जी जब भरोसे की हवा, बरसती है आंखों से ऐसी घटा भंगूर हो तो। बरसती है आंखों से ऐसी घटा, सीधे तो नहीं, प्यार तो गंगोर किया है। तो हो सकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है घटित होने वाली लेकिन घटना है, लेकिन गहनता से उसका मनन किया उन एहसासों का। अब खास बात यह है जो यहाँ नजर आता है सब कविता के अंदर, कविता के अंदर। दूसरा एक प्रसंग छेड़ना चाहता हूं मैं जी। वो हितकर है, इसलिए कविताएं सुंदर हैं, लेकिन कविता की समझ भी पैदा होती जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आने की संभावना। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक दो रचनाएं ऐसी आप बताएं जिसमें खूबसूरत बिंब जो है, बिंब कविताओं को गढ़ रहे जी, ऐसा कुछ, मतलब दर्शकों को अच्छा आनंद भी आएगा और जो नए लोग हैं उनको बहुत लाभ, ऐसा मेरा मुझे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपका आपकी जो अपेक्षा है वो अपनी जगह पर बहुत दुरुस्त है। और देखिए क्या होता है कि जो बिंब होता है ना जी, वो एक तरह का शब्दों के माध्यम से चित्र बनाने का जो है वो, ठीक है, वो प्रयास होता है कवि के द्वारा या कथाकार के द्वारा, जो भी लोग शब्द के माध्यम से जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं जी, वो बिंबों के जरिए जो है ना वो अपनी बात को कहकर के उसको संवेदना का विषय बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिंबों का सीधा सीधा संबंध हमारे इंद्रिय बोध से होता है, ठीक का, जो विभिन्न संवेदन है हमारे, वो चाहे वो सब वो रूप रस गंध स्पर्श वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही, उन सबको जो है वो बिंबों के माध्यम से, वो बिंबों के माध्यम से ही सामने आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत छोटा सा, कबीर का एक उदाहरण है। कबीर एक जगह कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वाह वाह वाह, सो भी साईं सुनता है। बहुत अच्छा, ये आस्था की पराकाष्ठा है, आस्था की पराकाष्ठा है। इसके अलावा क्या है कि उस जिस ईश्वर की तरफ कबीर
इशारा कर रहे हैं उसके सर्वव्यापी होने की पराकाष्ठा भी है, और साथ ही साथ कबीर की कल्पना की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जो है ना वो देखिए आप हाँ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि चींटी के पद में पूर्वाजी। अब आप कल्पना कीजिए कि इसके अंदर कितनी बारीकी है कि चींटी का पांव, उसके पांव में बंधा हुआ घुंघरू है और उस घुंघरू की आवाज है, यानी आप देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर मौजूद है, और वो उसके लिए कबीर कह रहे हैं सो भी साई सुनता। तो ये जो ध्वनि बिंब है जिसको शब्द बिंब हम कहते हैं, ठीक है, वो शब्द बिंब भी है यहाँ पर है, और साथ ही साथ चींटी के पग में बंधा हुआ जो नूपुर है वहां पर दृश्य बिंब भी है। तो वो जो कवि है वो कवि इस तरह के जो छोटे छोटे अपनी कल्पना की जो उड़ान होती है उस उड़ान के माध्यम से इस तरह के जो बात दृश्य इस तरह के जो बिंब है उनको उपस्थित करके और रचना को जो है वो ज्यादा से ज्यादा संवेदनीय बनाने की कोशिश करता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ संश्लिष्ट जो बिंब होते हैं, संश्लिष्ट बिंबों से मेरा मतलब ये है कि जहां पर विभिन्न तरह की जो संवेदनाएं हैं वो आकर के गड्ढमड्ड हो जाती है, तो वो जो बिंब होते हैं वो कम्युनिकेट उतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं। लेकिन अधिकांश कवियों के यहाँ पर जो है ना ये देखा जाता है ये चीज जो है ना, और हमारे यहाँ के हिंदी के एक बड़े ख्यातनाम कवि केदारनाथ सिंह, उनको तो कहा ही बिंबों का कवि जाता है, वो बिंबों का कवि कहा जाता है। इसी तरह से शमशेर बहादुर सिंह जो है उनको बिंबों का कवि कहा जाता है, तो वो जो है वो बिंब रच करके ही जो है ना अपनी बात को कहते हैं। जैसे वो चांद के लिए कहते हैं कि आसमान के अंदर दूज का चांद मूढ़े पर बैठा, वाह, तो वो देखिए वो जो मूढ़ा है वो है, तो वो उसकी जो आकृति है उस आकृति से उसकी तो साम्यता दिखाते हुए बिल्कुल। तो इस तरह के जो बिंब है जी जी वो कविता के अंदर आते हैं, और उनसे कविता जो है ना वो मैं तो यही समझता हूँ कि वो ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा संवेदन परक बनती, ज्यादा असरदार बनती है। कोई कविता हो जाए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, मैं एक कविता आपको जो सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। ये मेरे पिछले दिनों जो है वो मैं हालांकि करीब 2-2.5 महीने से तो मैं फेसबुक के ऊपर उस तरह से हाँ डालते हैं काफी बिजी हूँ क्योंकि बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं हुए लगातार 2-3 महीने आपने शेयर किए और ये कविता भी फेसबुक के ऊपर जो है कोई बात नहीं, लेकिन आपके उससे सुनेंगे तो उस तरह से सुना रहा हूँ। हत्यारा, ठीक, चाकू से नहीं की जाती है हत्या। बहुत अच्छा। चाकू से नहीं की जाती है हत्या बल्कि क्रूरता के उस पैनेपन से होती है जिसे हत्यारा अदृश्य ढंग से देता रहता है धाम। सुंदर सुंदर। चाकू से नहीं की जाती है हत्या बल्कि क्रूरता के उस पैनेपन से होती है जिसे हत्यारा अदृश्य ढंग से देता रहता है धाम। क्या बात। पिस्तौल की गोली को रफ्तार सिर्फ यांत्रिक तौर पर ही नहीं। हिंसपन के उस बारूद से भी मिलती है बहुत से जो जाने कब से जमा होता रहता है हत्यारे के भीतर। सुंदर। पिस्तौल की गोली को रफ्तार सिर्फ यांत्रिक तौर पर ही नहीं हिंसपन के उस बारूद से भी मिलती है जो जाने कब से जमा होता रहता है हत्यारे के भीतर। हथियार तो जलिया भर है
हत्यारे के लिए। सुंदर, हथियार तो जरिया भरे है हत्यारे के लिए, गर्म लहू का फव्वारा छूटता देखकर हत्यारे के पथरीले चेहरे से नृशंसता अट्टहास बन टकराती है। सुंदर, बहुत गर्म लहू का फव्वारा छूटता देखकर हत्यारे के पथरीले चेहरे से नृशंसता अट्टहास बन टकराती है। मृतक की फटी पड़ी आंखें नहीं करती उसे खौफ जदा, बल्कि 10-20 को और टपका देने का जगाती है दुस्साहस। मृतक की फटी पड़ी आंखें नहीं करती उसे खौफ जदा, बल्कि 10-20 को और टपका देने का जगाती है दुस्साहस। किसी असहाय को मारकर अपने पराक्रम पर खूब उतराता है हत्यारा। किसी असहाय को मारकर अपने पराक्रम पर खूब इतराता है हत्यारा। उस वक्त उसमें सारी दुनिया को रोन डालने की दुर्जय अकड़ उभरती है और जो भी दिखता है सामने उसी को बना डालता है गोलियों का शिकार। आदमी को मारते हुए अब हाथ नहीं कांपते हत्यारे के। बहुत सुंदर, आदमी को मारते हुए अब हाथ नहीं कांपते हत्यारे के। नहीं होता उसका शरीर पसीने से लथपथ, नहीं उड़ती उसके चेहरे की हवाइयां, नहीं सूखते उसके होंठ। पिस्तौल हाथ में लेते हुए नहीं दूसती उसकी टांगे। पिस्तौल हाथ में लेते हुए नहीं दूसती उसकी टांगे। मनुष्यता को अपने भीतर मरता देखकर, मनुष्यता को अपने भीतर मरता देखकर जैसा अंधेरा पहली बार छाया था उसकी आंखों में, वैसा अब बिल्कुल नहीं होता है। वैसा अब बिल्कुल नहीं। सुंदर 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 सुंदर, तो ये तेरों तो है ही है। नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हिंसा है वो समाज के अंदर इस कदर अपने पांव पसारती चली जा रही है। ये ज्यादा स्तर व्याप्त स्तर पे, हाँ, व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर। ये जो ये चिंता की बात है, ये चिंता की सिंपल आपको चाकू किसी के लगा देना है वो एक अलग बात है, वो एक मोमेंटम लगता है। लेकिन अब तो ऐसा लगने लग गया है सत्यनारायण जी की जैसे हिंसा जो है वो क्या है कि एक अपराध हिंसा के माध्यम से जो है वो कोई अपना एक दबदबा कायम करने की जो है ना होड़ में लगा हुआ है और वो उसी के माध्यम से अपनी जो है यो कह लीजिए कि अपने आप को समाज के अंदर एक वर्चस्व वो इसी के जमीन पर खड़ा होकर काम कर, इसी के जमीन पर खड़ा होकर के अपने वर्चस्व को साबित करने में लगा रहना चाहता है। तो ये जो स्थिति है, ये मानसिकता बहुत जोरों को बहुत खतरनाक मानसिकता है और समाज के सारे ताने बाने को जो है उधेड़ तहस-नहस कर देने वाली मानसिकता है। इसलिए क्या है कि देखिए पहले जो है वो हिंसा हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका कोई हमें जो है एक कहना चाहिए एक योजनाबद्ध जो है वो रूप दिखाई नहीं पड़ता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को जो है धीरे धीरे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हत्यारा होना अब जैसे कोई शर्म की बात ही नहीं ना, 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 ना। है बल्कि जो हत्यारे हैं वो हत्यारे बन रहे समाज के अंदर जो है ना वो ज्यादा ज्यादा महिमा मंडित होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया जा रहा है। सही, तो ये जो बात है इसको लेकर के और एक प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। बहुत कष्टप्रद स्थितियों से गुजर रहा है सामने, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा ही पाता है। ऐसी कोई और ऐसी सुनाइए। अब आपको एक बिल्कुल अलग देवर की रचना सुना रहा हूं जो हाँ हाँ
ढूंढाड़ के पहाड़ बहुत से, ये ढूंढाड़ जो है जिसमें जयपुर, अजमेर और टोंक, ये तीनों जिले जो है वो ढूंढाड़ अंचल कहलाता है। ये पूरा का पूरा अंचल जो है ना वो ढूंढाड़ में रहता है। तो क्या हुआ कि जब कभी मैं आता जाता हूँ कहीं तो देखता हूँ कि पहले यहाँ पर पहाड़ियाँ हुआ करती थी, अब बिल्कुल मैदान साफ हो गया है। तो टोंक में भी जो है ना वो पहाड़ियाँ धीरे 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 कर खत्म होती चली जा रही है। जयपुर से हम जब दिल्ली रोड के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो वो जो अरावली की पहाड़ियाँ थी वो अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। तो उनको देख करके और मेरे वो भी अपने आप में जो है ना एक पीड़ा का सबब है। बिल्कुल, किस तरह से जो है वो प्रकृति का हम जो है वो दोहन करते जा रहे हैं और उससे हमारे जीवन के अंदर जो असंतुलन पैदा हो रहा है होता है वो अपनी जगह पर है वो असंतुलन जी। और उस असंतुलन के खतरे हमें दिखाई पड़ने लग गए हैं। उतर रहे हैं अभी, आप देखिए तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर जो भूकंप आने से कितना जो है ना कितनी तबाही नुकसान। तो उसे उस इसी सारी चिंता को लेकर के इन्हीं पीड़ाओं को लेकर के मैंने कविता लिखी जी, ढूंढाड़ के पहाड़। माना कि नहीं रहे, माना कि वे नहीं रहे कभी उत्तुंग शिखर। वाह, कोई बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत बड़े बड़े याद आ गए मेरी नजर से गुजरी। माना कि वे नहीं रहे कभी उत्तुंग शिखर, फिर भी पहाड़ तो थे, पहाड़ तो थे, अच्छी बात है, फिर भी पहाड़ तो थे ही। लेकिन जब किसी ने डोंगरी कहा होगा उनको, आहा, कैसी गुजरी होगी उन पर, अच्छी बात। लेकिन जब किसी ने डूंगरी कहा होगा उनको, कैसी गुजरी होगी उन पर, किसी ने टेकरी तो किसी ने पहाड़ी कहकर मान मर्दन कर दिया होगा उनके पर्वतीय अभिमान का। बहुत सुंदर है। किसी ने टेकरी तो किसी ने पहाड़ी कहकर मान मर्दन कर दिया होगा उनके पर्वतीय अभिमान का। बड़ा आसान होता है किसी को महत्वहीन बताकर उसका वजूद मिटाना। सुंदर। बड़ा आसान होता है किसी को महत्वहीन बताकर उसका वजूद मिटाना, अब कहीं नहीं दिखता उनका उन्नत भाल। क्या बात, क्या बात। अब कहीं नहीं दिखता उनका उन्नत भाल, उनकी चोटियों पर विचरती भेड़ बकरियां और गडरिये, उनकी तलैटी में झूमते पलाश अमलताश कीकर और जंगल जलेबी के हरित गाछ। अच्छा। अब कहीं नहीं दिखता उनका उन्नत भाल, उनकी चोटियों पर विचरती भेड़ बकरियां और गडरिये, उनकी तलैटी में झूमते पलाश अमलताश कीकर और जंगल जलेबी के हरित गाछ। क्या बात। अपने आसपास के शहरों की इमारतों को मजबूत और भव्य बनाने के लिए, अपने आसपास के शहरों की इमारतों को मजबूत और भव्य बनाने के लिए मौन रहकर समर्पित कर दिया है उन्होंने खुद को। अच्छी बात। मौन रहकर समर्पित कर दिया है उन्होंने खुद को, किसी के लिए खुद को मिटा देने का सुख। बहुत अच्छा। किसी के लिए खुद को मिटा देने का सुख कोई नहीं जानता उनसे बढ़कर। किसी के लिए खुद को मिटा देने का सुख कोई नहीं जानता उनसे बढ़कर, घने अंधेरी रातों में अपनी चट्टानी देह पर झेले हैं उन्होंने बल्लभ और घन के निर्मम प्रहार। घनी अंधेरी रातों में अपनी चट्टानी देह पर झेले हैं उन्होंने बल्लभ और घन के निर्मम प्रहार। हजारों बार समाई है उनके नथुनों में बारूदी विस्फोटों की गंध। मृणमय होकर भी सदा खोजते रहे वे अपनी पाषाणी देह की सार्थकता। वाह। मृणमय होकर भी सदा खोजते रहे वे अपनी पाषाणी देह की सार्थकता। सिर पर मुड़ासा बांधे हाथों में लाठियां लिए गडरियों की हुर्र हुर्र सुनाई नहीं देती है।
सिर पर मुंडासा बांधे हाथों में लाठियां लिए गडरियों की हुर्र हुर्र सुनाई नहीं देती है अब उन्हें, बल्कि खंदकों में जहां तहां बंदूक के थामे छिपे बैठे खनिकों द्वारा दागी गई गोलियों से उन्हें छलनी होता नजर आता है अपने मौन, उन्हें अपना मौन समर्पण। क्या बल्कि खंदकों में जहां तहां बंदूक के थामे छिपे बैठे खनिकों द्वारा दागी गई गोलियों से छलनी होता नजर आता है उन्हें अपना मौन समर्पण। मैं अपना मौन समर्पण माना कि वे नहीं रहे कभी। बहुत बड़ी भयानक स्थितियां हैं और भयानक स्थितियां हैं, और यो कह लीजिए कि विकास की अपनी जो है ये विडंबना है, विकास की विडंबना भी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है सत्यनाथ जी की भी विकास अपनी जगह पर जरूरी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जो है वो प्रकृति को पूरी तरह से मिटा करके तो नहीं विकसित कहला सकते, तो फिर विकसित नहीं है। मैं यही कहने जा रहा था कि विकास ठीक है वो आवश्यक है, लेकिन किस कीमत पर, किस कीमत पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका तो मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी कीमत क्या क्या चुका रहे हैं, उसके बिना तो विकास को नहीं। अगर 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 हम उस तरफ ध्यान नहीं देते ना, ना, तो फिर जो है ना वो ठीक है, आप भौतिक विकास करते रहिए, लेकिन वो अर्थ की है, वो अर्थ की है, उस सार तत्व की बात नहीं। गजल ही सुनेंगे। कौन सी गली आप सभी अच्छी हैं, किसका मजा नहीं है। लेकिन जो है वो आप वाली, आपको जो पसंद है वो प्रेम कथा वाली गजल सुनाओ। आपको आपको खास प्रिय है वो गजल, इसमें वो गजल में जो है ना वो आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, प्रेम कथा का वही प्रश्न है मुड़ा हुआ। तो वाकई बहुत अच्छी है, मैं तो ये कहूंगा दावे से भी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी है। देवेंद्र भाई ये गजल इनको बहुत पसंद है। प्रेम कथा का वही प्रश्न है मुड़ा हुआ, बहुत अच्छे। प्रेम कथा का वही प्रश्न है मुड़ा हुआ, नाम जहां तेरे संग मेरा जुड़ा हुआ। क्या बात, क्या क्या नाम जहां तेरे संग मेरा जुड़ा हुआ, तेरी आंखों ने ऐसा कुछ कहा अनकहा। वाह, तेरी आंखों ने ऐसा कुछ कहा अनकहा, बहुत सुंदर। बनकर शूल कलेजे में है गड़ा हुआ, बहुत सुंदर। बनकर शूल कलेजे में है गड़ा हुआ, सच पुड़िया में बंद झूठ का गढ़ा भारी। बहुत अच्छा। सच पुड़िया में बंद झूठ का गठरा भारी, आज जो स्थितियां हैं। सच पुड़िया में बंद झूठ का गठरा भारी, बनकर बोझ धरा पर कब से पड़ा हुआ। बहुत अच्छा, बनकर बोझ धरा पर कब से पड़ा हुआ, मानी खेज यही बाकी सब कहा सुना। बहुत अच्छा देवेंद्र भाई, मानी खेज यही बाकी सब कहा सुना, वाह। बुरे वक्त में किसके कौन हक में खड़ा खड़ा, बुरे वक्त में किसके कौन हक में खड़ा हुआ, उस मिट्टी की गंध आखिरी सांस बने। वाह यार, उस मिट्टी अच्छा की गंध आखिरी सांस बने, वाह। जिसमें पैदा होकर खेला कूदा बड़ा, वाह वाह। जिसमें खेल पैदा होकर खेला कूदा बड़ा हुआ, प्रेम कथा का वही प्रश्न है मुड़ा हुआ, नाम जहां तेरे संग मेरा जुड़ा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर क्या क्या मतलब किस शब्दों में आपकी तारीफ करूंगा। तारीफ करने की कोई बात नहीं है, आप बेहद सुंदर जो जो
जहां आपको पसंद नहीं आए और नहीं नहीं लगे कि नहीं ये बात जो है ना वो बहुत हल्के ढंग से कही गई है। नहीं नहीं ऐसा आप कहिए बिल्कुल जो है मुझे अच्छा लगेगा। बाकी दूसरी एक बात जो जी लेखन को लेकर आती है जी, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उस बारे में अपना थोड़ा सा अभिव्यक्ति के साथ अपनी बात कहें। परेशानी ये आ रही है कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि लिखना अच्छी बात है, लिखिए आप खूब लिखिए। एक तो बात मुझे व्यक्तिगत कई जगह ऐसा लगता है कि आदमी जब लिखता है और शब्दों का जैसे शब्दों के अनेक अर्थ जिसे अपन सिम्बोलिज्म कह देते हैं डायमेंशनल बोलते हैं उसमें वो लॉजिक को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। मतलब अर्थ संदर्भित जो लॉजिक है उससे इतना होकर इधर उधर से भी उसको जोड़ लेते हैं, क्या वो ठीक है? देखिए क्या होता है कि यो तो शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है ठीक है, उसको जो संदर्भ होते हैं वो अर्थवान बनाते अर्थवान बनाते हैं। बिल्कुल सही, इस बात से तो आप सहमत हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है कि जो कवि है वो कवि अपनी बात कहने के लिए जो प्रचलित शब्द है जी उन प्रचलित शब्दों को भी जो है वो इस तरह से काम में लेता है कि उसका जो प्रचलित अर्थ होता है वो तो एक तरफ हो जाता है और उसमें से एक नया अर्थ जो है ना बिल्कुल अच्छी बात वो सामने आ जाता है। बिल्कुल सही, और वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात। इससे क्या होता है कि भाषा भी समृद्ध होती है और साथ साथ ही साथ जो है वो नए नए शब्द जो है वो अस्तित्व में आते हैं नए शब्द। और इसके अलावा क्या है कि किसी शब्द के माध्यम से कितने कितने अर्थ प्रकट हो सकते हैं, वो सुंदरता वो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप जिस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वो इधर उधर चला जाता है तो वो इधर उधर जाने की उसकी जो कोशिश होती है वो उस शब्द के अंदर एक नई जो है नई भंगिमा लाने की कोशिश है। मैं उसको इधर उधर जाना नहीं कहूंगा, उसकी ये कोशिश होती है कि वो उसके अंदर एक नई भंगिमा पैदा करे, एक नई अर्थ छवि उसके अंदर पैदा करे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण से मेरी बात समझ में जी जी आ जाएगी आपकी। शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता का एक अंश है ठीक है जिसके अंदर वो कहते हैं आत्मा में अगन सुराख। ठीक है, अब यहां पर जो ये अगन शब्द काम में लिया है ना शमशेर बहादुर सिंह ने ये अग्नि के अर्थ में नहीं है। ठीक है, अगन शब्द जो है वो सामान्य तौर पर लोक भाषा के अंदर अग्नि के अर्थ में काम में आता है। ठीक है, लेकिन जब सुराखों की बात कही जा रही है तो वो जो है ना वो अग्नि का अर्थ नहीं दे रहे, वहां पर असंख्य होने का अर्थ दे रहे, अनगणित। और वो जो है ना वो अगणित या अनगिन जो है अनकाउंटेबल उन अनगिन या अगणित जो सुराख है उन सुराखों की बात कह रहे हैं, लेकिन शब्द कौन सा काम में लिया है अगन। ठीक है, अगन शब्द है जो लोक भाषा के अंदर अग्नि का वाचक है। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन कई बार तकलीफ कहाँ हो जाती है, जैसे कि आप मैं छोटा सा उदाहरण, जैसे आप नदी ले लीजिए, जैसे आप समुद्र ले लीजिए जी, इनका चरित्र है, नदी का अपना चरित्र है, वो विशेष परिस्थितियों में अपने रास्ते भी बदलती है, तटबंध भी तोड़ती है, एक सतत प्रवाह भी है नदी का अपने रोमानी का। तो वो ये उसके जब नदी की बात आती है तो ये सब
अर्थ अपने आप गुंजित होने लगते हैं। जी जी, समुद्र है तो समुद्र समाहित कर लेने का करैक्टर तो है, लेकिन उस करैक्टर में एक खास बात यह है कि वो और सबके करैक्टरिस्टिक खा जाएगा। विभिन्न नदियों का पानी डाल दीजिए, वो सब समुद्र कहलाएंगे। मतलब उसके आगे किसी का अस्तित्व नहीं, उसकी किसी की पहचान कायम नहीं रहती। लेकिन देखने में आता है कि फिर इसके इधर उधर इस्तेमाल होने लगते हैं, जो उसके मैं इसे तार्किकता से जोड़ना चाहूंगा कि जो उसका लॉजिकल है उससे छेड़छाड़ करके अगर आप बात कहते हैं तो कितनी ठीक बात नहीं। देखिए क्या है कि आप आपकी जो बात है वो अपनी जगह पर ठीक है कि भाई उसकी जो तार्किकता है उस तार्किकता से छेड़छाड़ करके जो है दूसरे अर्थ उसमें अगर लाए जाते हैं या उसको इधर उधर ले जाया जाता है ठीक है, तो वो कितना उचित है। उचित, लेकिन क्या मैं ये इस मामले में मैं ये मानता हूं कि क्या कविता के अंदर शब्दों के जो अर्थ रूढ़ हो चुके हैं ठीक है उनसे काम चल जाता है? नहीं चलता, नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कविता के अंदर जो है शब्दों के, इसीलिए मैंने अभी संजय बहादुर सिंह वाला की कविता का उदाहरण दिया जी, कि वो जो रूढ़ हो गया है अर्थ, वो रूढ़ अर्थ वो एक तरह से क्या है कि हम उस अर्थ से कंडीशनड हो गए हैं। ठीक है, हम उस अर्थ से कंडीशनड हो गए हैं। अब अगर कवि हमें जो है वो दूसरी तरफ ले जा रहा है तो हमें लगता है कि जैसे ये अतार्किक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम कंडीशनड हैं उस अर्थ से। ठीक है, हम उस अर्थ से कंडीशनड हैं, जबकि कवि की कोशिश ये है कि उसका जो रूढ़ अर्थ है नया उस अर्थ को तोड़ करके नया और नया अर्थ उसके अंदर पैदा करे और यही कवि की जो है उसकी ताकत थी और वो यही उसके लिए उस कविता को पावरफुल बनाता है। अच्छी बात, क्योंकि ऐसे प्रसंग कई बहुत होता है, तो मैंने कहा इस संबंध में बात कर ली जाए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपके संग बैठ के तो अच्छा ही अच्छा लगता है। नहीं, और आपसे जो बातचीत करने का अवसर मिला है, समय की अपनी पाबंदियां हैं, लेकिन फिर मन बिल्कुल बिल्कुल और मैं फिर मेरी मेरी बेहद इच्छा है कि एक जो है वो अपनी ये मीटिंग जो है जी वो यथार्थ के आभास को लेकर के मैं जो है बहुत सुंदर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अपन ने जो है जी, जी, इसी तरह की मीटिंग की आभासी यथार्थ पर बात की थी। नहीं, उस पर हम बात, और मैं अब की बार जो है ना वो यथार्थ का जो आभास है उसको लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, जब भी अपने को मौका मिलेगा अपन उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, और जल्दी ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार है आप सबका, अच्छे श्रोताओं का भी और हमें पसंद करने वालों का भी, और सब नव जो लोग हैं जो जुड़ रहे हैं उनका भी आभार है जनसरोकार मंच की तरफ से। नमस्कार नमस्कार।